आखिरी चरण का ये रण लगातार जारी है। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इस वक्त जो वोट परसेंटेज दर्ज किया गया है 9 बजे तक का, वो आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए देवरिया में 9 बजे तक का 12% का मतदान हो चुका है। कुशीनगर में भी 13.5% मतदान हो चुका है। गाजीपुर महत्वपूर्ण सीट 13.18% का मतदान यहां भी हुआ है। साथ ही घोसी में भी 9 बजे तक 13.46% वोटिंग हो चुकी है। महाराजगंज 14.37% वोटिंग यहां हुई है। तो लगातार एक एक सीट का वोट परसेंटेज आपको बता रहे हैं। आज देश भर की कुल 58 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है उसमें महत्वपूर्ण सीटें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी है। साथ ही 3 कैबिनेट मंत्री भी हैं जिनकी आज चुनावी रण में किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि पिछली बार के 6 चरणों के जो मतदान हुए हैं उसमें 7वें चरण का वोट परसेंटेज जो है वो बेहतर है, वो उठा हुआ नजर आ रहा है। तो इससे मान के आप चल सकते हैं कि शाम 6 बजे तक जो वोटिंग होनी है अच्छा खासा उछाल वोट परसेंटेज में देखा जाएगा। और इस वक्त गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर 3 मतदान कर्मी बीमार हो गए हैं। हम आपको बता दें इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि कुछ मतदान कर्मियों की मौत की बात भी सामने आ रही थी। अब जो गाजीपुर से खबर है उसमें 3 मतदान कर्मी बीमार हुए हैं। ड्यूटी के दौरान 3 कर्मचारियों की तबियत बिगड़ी है। बेहोश होने के बाद CHC में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। जमानिया के मत्सा बूथ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 जो पोलिंग के लिए लगाए गए थे लोग ड्यूटी में तैनात थे, उनकी तबियत बिगड़ गई है। इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है और इस गर्मी की वजह से हमने पहले भी देखा था कि जो लगे हुए थे इलेक्शन के काम में, ड्यूटी में लगे हुए थे, उनकी तबियत बिगड़ी थी। इसमें कहा जा रहा था कुछ की मौत भी हुई थी गर्मी की वजह से। अब 3 लोगों के बीमार होने की खबर गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर 3 मतदान कर्मी बीमार हुए हैं। ड्यूटी के दौरान 3 कर्मचारियों की तबियत बिगड़ी है। बातचीत करने के लिए मनीष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मनीष, क्या खबर मिल रही है, कहां पर ये तैनात थे 3 कर्मचारी? देखिए, आपको बता दें कि ये मामला लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान सामने आया है। जमनिया क्षेत्र के मत्सा मतदान केंद्र की ये घटना है, जहां पर पुलिस के एक SI और PSC के एक कांस्टेबल साथ में फॉलोअर अचानक बीमार होकर गिर पड़े और उन्हें उसके बाद PSC ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं और जिसके बाद उनको स्थानीय CHC ले जाया गया है और वहां पर उनका इलाज जारी है। जी, अभी फिलहाल स्थिति किस तरीके की है 3 की मनीष? देखिए, आपको बता दें कि सुबह तो मौसम बेहद खुशगवार था, लेकिन 9 बजे के बाद धूप तेज हो गई है और इस धूप के चलते, इस तेज गर्मी के चलते ही बताया जा रहा है कि ये 3 मतदान ड्यूटी में लगे ये 3 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी है और अभी जब उन्हें CHC में भर्ती कराया गया है तो उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, सुधार बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी उनका इलाज जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी देने के लिए। चलिए ठीक है, और इस वक्त अब हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर हैं जो सुबह से जानकारी दे रहे हैं हर एक बूथ पर कि किस तरह से मतदान चल रहा है। गाजीपुर से अमित गंजू, कुशीनगर से अशोक शुक्ला है, राजेश चौधरी प्रवक्ता BJP, फखरुल हसन चांद प्रवक्ता SP, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अमित गंजू के पास चलते हैं। अमित, आप गाजीपुर में है, गाजीपुर में अभी एक खबर आई कि यहां पर एक पोलिंग बूथ पर जो कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए थे इलेक्शन ड्यूटी पर, उनमें से कुछ बीमार हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद किस तरह पर वहां पर मतदान चल रहा है और क्या स्थिति वहां पर मतदान को लेकर? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पहले अपने कैमरामैन से कहूं पीछे का पूरा दिखाई है। सुबह जैसे मेरे अभी सहयोगी मनीष बता रहे थे, कहीं ना कहीं सुबह 6 o'clock को एक लंबा जोश देखने को मिल रहा था और 7, 7:30, 8, 8:30 और 9 बजे तक, 9:30 होते होते धीरे धीरे गेट पूरा खाली हो गया। हालांकि जिस जगह यहां है यहां लगभग 18% वोट पड़ चुके हैं इस पोलिंग सेंटर पर और अब धूप बिल्कुल सर पर, आप देख हमारे देखा जा सकता है कि पूरे सड़कों पर अब सन्नाटा सा पसरता जा रहा है। ये माथे का मेरे बहता हुआ पसीना इस बात का गवाह है कि तापमान अब बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे करके लोगों की संख्या पर ऐसे पे पूरा सन्नाटा सा यहां पर। अगर हम जैसे मेरे सहयोगी अभी जमनिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे तो वहां एक उपनिरीक्षक, एक PSC का जवान और एक फॉलोअर जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी खाना और उनके भोजन बनाने के लिए, क्योंकि उमस इतनी बढ़ गई थी अचानक, उमस से घबराहट हुई और उसके घबराहट के बाद अनकॉन्शियस हुए और उसके बाद उनको अस्पताल लिया गया। इसी गर्मी का असर अब वोट परसेंटेज में फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। अगर जिस पोलिंग सेंटर पर हम खड़े हैं यहाँ अभी तक लगभग बताया जा रहा है 18% या लगभग 800 के आसपास इसमें वोट है और 18% के वोट पड़ चुके हैं। ये वही जगह है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज सिन्हा आपसे 5 या 7 या कुछ मिनट बाद वोट अपना कास्ट करने आएंगे, जिसको लेकर न्यूज 18 की टीम भी यहाँ मौजूद है। और गांव के लोगों की अगर बात की जाए तो गांव के लोगों ने जो यहाँ आसपास के अंचलों की अगर बात की जाए, मोहनपुरा की बात की जाए, आसपास के जो गांव के लोग कुशीनगर में भी देखा जा रहा है, इस पर जानकारी हमारे सहयोगी अशोक शुक्ल इस समय देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद है। अशोक, देखिए लगातार प्रचंड जो गर्मी है लोगों को परेशान कर रही है और इसका असर सीधे तौर पर मतदान पर भी पड़ रहा है, जहां अभी तक का वोट परसेंटेज 9 बजे तक का बेहतर आया, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वोट परसेंटेज जो है जरूर नीचे आए क्योंकि गर्मी अपने चरम पर है। कुशीनगर से कैसी तस्वीरें आ रही है, कैसे यहाँ का मतदान चल रहा है? जी बिल्कुल, कुशीनगर जिले की बात करें, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में जो 5 विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं का ओवरऑल जो परसेंटेज रहा है 9 बजे तक का, वह उत्साहजनक है। लेकिन जैसे जैसे तपिश बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतदाता दूर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कुशीनगर का मौसम ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुत प्रचंड गर्मी है या भीषण गर्मी है, हवाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत भी है। तो आप मेरे पीछे खुद देख सकते हैं कि बूथों पे मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, और सबसे खास बात है कि कई ऐसे नए वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की, और मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है, महिला हो पुरुष हो, लोगों में इस बात का उत्साह है कि वह अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। तो अभी तक जो आंकड़े हैं मतदान का जो प्रतिशत है वह उत्साहजनक है, अब ये आगे आगे जैसे बढ़ेगा वो किस तरह से, चाहे वो महिला हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो, जरा उनसे बात कर सके तो बात करिए, किन मुद्दों के साथ पहुंचे हैं, क्या सोच लेकर पहुंचे हैं इस सरकार को लेकर जो नई बनने वाली है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे ये जो कतारबद्ध है युवा वोटर है और जो मतदान करने आए हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे या फिर किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे। केवल एक ही मुद्दा है, विकास, इसके अलावा किसी दूसरे मुद्दे पे बात करने की या वोट करने की कोई जरूरत होती नहीं है मेरे समझ से, क्योंकि आम नागरिक के लिए सिर्फ विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए, कास्ट प्रथा ये सब की कोई आधार नहीं होना चाहिए। विकास के मुद्दे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर आप मतदान करने आए? विकास, आप बताइए, युवा है, क्या सोचा है आपने, क्या सोचकर मतदान करने आए? विकास, किस तरह की सरकार हो आपके हिसाब से, ये बताएं। यहाँ हम कुछ महिलाएं जो पंक्ति में लगी हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या सोच रखा है इन्होंने, आखिर किस तरह सोचकर मतदान करने हैं, ये बताएं क्या सोच रखा है आपने, क्या सोचकर मतदान करना है, ये बताएं क्या कुछ मुद्दे हैं आपके कि विकास हो, किस तरह का, क्या ये बताएं क्या क्या सोच। जैसा कि आप देख रही हैं महिलाएं हालांकि कुछ बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन जो पुरुष मतदाता है या अन्य मतदाताओं का साफ कहना है कि विकास ही उनका मुद्दा है और यही सोचकर वो मतदान करेंगे। ठीक है अशोक शुक्ल, वाकई में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है और ये इसीलिए जानकार भी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि भाई जो 7वें चरण का मतदान होगा उसमें बंपर वोट गिरने वाले हैं, बंपर वोट पड़ने वाले हैं। लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें कुछ अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ये देखिए आज वो 13 सीटें जहां पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है उनकी सीटें की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज भारी भरकम संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं और वोट परसेंटेज भी इसलिए पिछले 6 चरणों से बेहतर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट इसमें है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी विधानसभा की सीट मौजूद है, खुद जिस सीट से वो कभी सांसद रहे हैं वहां से रवि किशन इस बार चुनावी मैदान में हैं, और आपने देखा भी कि उनके लिए बढ़ चढ़ कर प्रचार करने के लिए, जनता के बीच में रोड शो करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इसके अलावा सारी बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, वीवीआईपी सीट पूरे देश की जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट, जहां पर मतदान जारी है, सुबह 7 बजे के बाद से लंबी लंबी कतारें हर एक पोलिंग बूथ पर देखी जा रही है और यही कहा जा रहा है कि इस बार यानी कि 7वें चरण का जो वोट परसेंटेज है वो पीछे के 6 चरणों के वोट परसेंटेज का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो ये वो 13 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, घोसी, महाराजगंज, सोनभद्र, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, और इसमें से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, अगर वाराणसी के हाई प्रोफाइल या सीट को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारी सीट है जिसमें चंदौली है, घोसी है, कुशीनगर है, मिर्जापुर है, इन सब जगहों पर भी बड़े बड़े दिग्गज आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ है तो दूसरी तरफ गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
आप कह सकते हैं कि गढ़ रहा है और वो यहां से चाहेंगे कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए। रवि किशन को लेकर उन्होंने तमाम चुनाव प्रचार किए, बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता थे उन्होंने कई रैलियां इस पूर्वांचल के एरिया में की है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से जीत का दावा किया है। अब एक बार फिर से पोलिंग परसेंटेज दिखा दे रहे हैं और 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे लेकिन पोलिंग परसेंटेज है 13.50 है कुशीनगर में और 13.74% देवरिया में इस वक्त जो सुबह 9 बजे तक आंकड़ा है वो आया है सामने, जिसमें बांसगांव में 10.37% वोटिंग परसेंटेज अब तक का रहा है और अभी भी मतदान जारी है। हालांकि सुबह सुबह मतदान काफी तेज थी और मतदान की प्रक्रिया तेज इसलिए थी क्योंकि सुबह सुबह गर्मी कम होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक बार फिर सूर्य देवता पूरी बलवान है और लोगों का अब थोड़ा निकलना कम हो गया है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले जो 6 चरणों का चुनाव था उसमें शाम के 3 बजे के बाद एक बार फिर से पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। हालांकि मतदान के कम होने के पीछे का एक कारण ये भी है कि जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है और इन सब एरिया में जहां पर आज मतदान हो रहा है वहां पर भी गर्मी भीषण पड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, राजेश चौधरी प्रवक्ता बीजेपी, फखरुल हसन चांद प्रवक्ता SP और प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, हम दोनों प्रवक्ताओं के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जरा ये बताइए, चूंकि 6 चरणों का चुनाव अब निपट गया है, 7वें चरण का चुनाव है, कहा यह जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री की साख भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि वाराणसी की जनता से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा और वाराणसी में जितना विकास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यहां से सांसद चुनकर आएंगे, लेकिन CM योगी, प्रधानमंत्री मोदी, ये तमाम लोग मिलकर भी जो 13 सीटें हैं, पिछली बार 11 का उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लगता है कि वो 11 सीटें एक बार फिर से लेकर आएंगे क्योंकि बहुत सारी सीट ऐसी क्रूशियल है जहां पर मार्जिन पिछली बार बहुत कम रहा था, तो फाइट देखने को मिलेगी क्या या गठबंधन के जो विपक्षी गठबंधन है वो चुनौती देगी बीजेपी को? नहीं, देखिए, साख की जहां तक बात है तो साख मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की कोई साख लगी हुई है। वो अपना चुनाव बड़े आसानी से जीतने जा रहे हैं और उनका प्रभाव आसपास के क्षेत्र में लगातार बना हुआ है और योगी जी का प्रभाव कानून व्यवस्था को लेके और कामकाज को लेके पूरा एक वो जो गोरखपुर का पूरा जो इलाका है वहां उनके एक लोकप्रियता सांसद के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में बनी हुई। लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चरण का चुनाव हो रहा है 13 सीटों और पूरे भारत के अंदर 57 सीटों पे, ये एक निर्णायक एक सीटें होंगी कि क्या 400 पार का जो नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने वो वहां तक पहुंच पाएंगे या इंडिया गठबंधन जो एक मनोवैज्ञानिक, ये दोनों लोग एक वार चल रही है मनोवैज्ञानिक कि हम 350 जीत रहे हैं, हम 400 जीत रहे हैं, लेकिन मतदाता किस मुद्दे पे पूर्वांचल का, क्योंकि देखिए पूर्वांचल में सबसे बड़ी चीज कानून व्यवस्था एक थी, माफिया राज जो वहां पे था, माफिया तंत्र जिस तरीके से वहां खत्म किया गया, उसके बाद वहां स्थानीय जनता ने आज जो मतदान करने जा रही, क्योंकि एक तपती धूप में मतदान शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि मत प्रतिशत गिरेगा, मत प्रतिशत बढ़ेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी की साख थी कि 11 सीटें वो अपनी ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, ये सवाल है। और दूसरा इंडिया गठबंधन के लिए जो मायावती के साथ उन्होंने 2 सीटें वहां 13 में जीती थी, क्या वो इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो ये एक सबसे बड़ा साख दोनों की लगी है कि दोनों इस 57 सीटों पे और 13 सीटों पे, एक जगह 80 पार का नारा है, एक जगह 400 पार का नारा है, ये नारा यही चरण तय करेगा। ये चरण जो हमारे साथ पार्टियों के प्रवक्ता है उनसे भी जल्दी से वोट परसेंटेज के ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं। फखरुल हसन साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है। फखरुल साहब, क्या लग रहा है आपको, बेहतर वोट परसेंटेज 9 बजे तक का देखा गया, अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी को काफी उम्मीदें होंगी, आपके गठबंधन को इन सीटों से काफी उम्मीदें होने वाली हैं? नहीं, जो आखिरी चरण है, समाजवादी पार्टी को भरोसा है जनता पे कि 7वें चरण की सारी सीटें, अगर बनारस को देख लिया जाए बनारस में जरूर फाइट है, बाकी कहीं पे समाजवादी पार्टी को कहीं लड़ाई नजर नहीं आती है, एक तरफा चुनाव है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता खड़ी हुई है, जनता मुद्दों पे वोट डालने जा रही है। प्रभात त्रिपाठी जी ने मुद्दे नहीं बताए, वो
पूर्वांचल की माफिया राज की बात। फखरुल हसन जी, आप इस किस बिना पर कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 11 सीटें बीजेपी लेकर गई थी, आपके साथ गठबंधन में बीएसपी थी, 2 सीटें वो लेकर चली गई थी, आपके दावे किस किस आधार पर है? राजनीति में 1+2 नहीं होता है, राजनीति में 1+11 भी होता है। और ये कोई हम 2012 में जब सरकार समाजवादी पार्टी ने बहुमत की बनाई थी तो 2014 में हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा सफाया हो जाएगा और हम 5 सीटों पे आ जाएंगे। तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि हम पिछले चुनाव में हम इतनी सीटें जीते थे, इस बार भी हम इतनी सीटें जीतेंगे। कितनी सीटें जीत के लेके आ रहे हैं इस 13 सीटों में से? चलिए फखरुल हसन जी, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता दें, उसके बाद फिर से आपके पास आएंगे। वाराणसी से खबर आ रही है जहां पर बूथ संख्या 29 पर गहमा गहमी बना हुआ है, मतदान कर्मी पर बिफर गए हैं मेयर, मतदान कर्मी पर दुर्व्यवहार करने का मेयर ने आरोप लगा दिया है, पार्टी का नुकसान कराने की बात भी मेयर साहब ने कही है, मेयर ने डीएम से मतदान कर्मी की शिकायत अब कर दी है। शिकायत के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो बूथ संख्या 29 पर गहमा गहमी बनी हुई है, बताया जा रहा है कि मेयर पहुंचे थे वहां पर, जो मतदान कर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे उनके ऊपर बिफर गए मेयर साहब, उसके बाद दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया। आप पार्टी को नुकसान कराने की बात कहके उन्होंने इस पूरे मामले की एक शिकायत डीएम से की है और डीएम से शिकायत करने के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या खबर मिल रही है इसे लेकर? अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल, अमित, कोई जानकारी मिल पाई है कि कुछ गहमा गहमी हो गई है बूथ नंबर 29 पर और मेयर साहब बिफर गए? देखिए, इस वक्त हम जहाँ हैं वहाँ गाजीपुर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ हलचल थोड़ी तेज हो रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लाने, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए कि वही सेंटर है जहाँ आके उसको लेकर सब अलर्ट, पुलिस पहुंच चुकी है। और तो तकनीकी खराबी और इसीलिए अमित गंजू से संपर्क भी हमारा टूटा है। देखिए, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज एक तरफ प्रतिष्ठा जो दिग्गजों की है वो ईवीएम में कैद हो रही है, दांव पर लगी है, तो वहीं दिग्गज आज वोट करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे आपने देखा, सबसे पहली तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई थी वो जेपी नड्डा की आई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से पहुंचे थे वोट डालने के लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभात जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, इसका जवाब वोट परसेंटेज के ऊपर। देखिए, वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है तो ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाता है विपक्ष की तरफ से कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए गए हैं। वहीं अगर वोट परसेंटेज गिरता है तो भी ठीकरा बीजेपी के लिए फोड़ा जाता है कि भाई लोग वोट करने ही नहीं गए हैं बीजेपी के लिए। तो वोट परसेंटेज से समझे क्या, और इस बार का 2024 का जो वोट परसेंटेज आपको देख रहे हैं उसका नुकसान और फायदा किसको होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए कंजन जी, इसको इस तरीके से समझा जाए कि वोट प्रतिशत अगर गिरता है तो ऐसा नहीं कि वो गिरने से कोई सत्ता पक्ष को नुकसान हो रहा है या वोट ज्यादा पड़ रहा है तो बदलाव का वोट हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज मतदाता निराश क्यों है, मतदाता के अंदर वो उत्साह क्यों नहीं है कि वो वोट कास्ट करने जाए। 11 बजे तक जो वोट अभी पड़ा है, मेरा ये मानना है कि 11 बजे से लेके 12 अभी बजेगा, 1 बजेगा, तो उसके बाद 4 बजे तक वोटिंग कम होगी, 4 बजे के बाद फिर लोग निकलेंगे। तो ये जो एक तपती धूप में एक इसका कारण है, दूसरा निराशा, ये एक सबसे बड़ा कारण है। पूरे 6-7 चरण में आपने कंचन जी देखा होगा कि मत प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है, मत प्रतिशत गिर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मत प्रतिशत गिर रहा है तो कोई वो बदलाव का वोट हो रहा है, सत्ता पक्ष के पक्ष में भी जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे दिखाई दे रही है कि जो निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की थी और जो ये चरण जो सातवां गया है, क्योंकि ये जो मौसम का जो पूरा मामला है, ये इनको देख के 5 चरण में चुनाव परसेंटेज पर असर होता हुआ जरूर दिख रहा है।